सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए कमाल के वीडियो में। गाइस आज का वीडियो सच में अपने लिए बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो आपको सेम टू सेम ऐसा एडिटिंग आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आप देख सकते हैं कितना हार्ड फोटो बना हुआ है गणेश जी वाला। चलिए बिना कुछ देरी के हम वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, वो छोटा ही वीडियो एंड आपको पूरा समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा टेलीग्राम या वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहाँ से डाउनलोड कर लेना इस बैकग्राउंड को। और इस बैकग्राउंड को हमको शेयर करना है कहाँ पे, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस देखिए, हम चलते हैं पिक्सआर्ट में। देखिए आप कोई काम नहीं करना है, जैसे जैसे मैं करता हूँ जो पहले काम करता हूँ वही काम आपको भी पहले करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बस वीडियो देख लेते हैं एंड वीडियो का स्टॉप करते हैं और अपना फोटो बनाना स्टार्ट करते हैं, उसे नहीं करना है। जो जो मैं ट्रिक आजमाता हूँ, पहले जो मैं करता हूँ वही आपको भी करना है। देखिए सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में लेकर आना है। फिर देखिए साइज़ इसका पूरा सही है गाइस, साइज़ आप देख सकते हैं 3, ठीक है, तो साइज़ पूरा मेरा सही है। तो उसके बाद देखिए हमको जाना है ऐड फोटो पे, और आपको जो अपना मॉडल होगा यानी कि जो हम फोटो क्लिक किए होंगे, हमको कुछ ऐसा पोज चाहिए हैं जो कि आप लोग आराम से फोटो ऐसा क्लिक कर सकते हैं। देखिए ऐसा पोज, फिर ऐसा क्लिक करने में जस्ट हमको फोटो को इतना छोटा करना होगा। फिर हम जाएंगे इरेज वाले ऑप्शन पे, और सबसे पहले हमको जो ये फोटो रूम का आइकन है, देखिए आप वो फोटो रूम से इसको इरेज कर लेना है बैकग्राउंड को। देखिए इतना काम करना है, फिर हम इसको ओपेसिटी को कम करेंगे, साइज को ज़्यादा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जूम करेंगे फोटो को और कुछ इस तरह, और जूम करेंगे इसको पूरा पानी में इसको गायब कर देंगे, जैसे किस तरह। देखिए आराम से इसको पानी में, जैसे लगेगा कि ये पानी में है हमारा शरीर। सो देखिए इसको आराम से ये जो ओपेसिटी है पूरा इसको मिला देना अच्छी तरह से। देखिए इतना काम करने के बाद फिर आपको छोटा करना है और कुछ इस तरह। सो देखिए इतना काम हमको कर देना है, एंड इतना काम करने के बाद हमको क्या करना है, इसको सही कर देना है। देखिए यहाँ से सो देखिए हमारा शरीर तो आराम से पानी में बैठ चुका है। उसके बाद हमको क्या करना है, एक गणेश जी वाला PNG आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड टेलीग्राम दोनों जगह पे, आपको उस PNG को डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम PNG को ले लेते हैं, तो हमारा PNG ये रहा। देखिए उसके बाद हमको आराम से फोटो जूम करना है और PNG को हमको कुछ इतना करना है, और देखिए हमको आराम से इतना जूम कर लेना है PNG को। देखिए आपको आराम से बैठाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे इसको रख देंगे, और रखने के बाद जस्ट हमको इरेज पे जाना है, और हमको नीचे से इनवेट का ऑप्शन, यहाँ पे इनवेट का हम इनवेट कर देंगे। फिर क्या करना है हमको, देखिए जो अपना फिंगर है इसको ऊपर इस तरह ब्रश को चलाना है, यानी कि रिस्टोर करना है। देखिए जैसे लगे कि यह हाथ में PNG हमारा है। देखिए यही काम करना है हमको, आराम से इस तरह रिस्टोर इसको कर लेना है, यानी कि PNG को ला देना है, फिंगर को बचा कर। देखिए आराम से, इसमें टाइम लगता है बट आप लोग आराम से कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं बता रहा हूँ उस तरह। देखिए फिंगर को बचा कर फिंगर के ऊपर इस तरह लाना है इसको। देखिए एकदम मस्त तरीके से आ चुका है हमारा, हिस्सा हो चुका है, एंड इस तरह हमको कर देना है। सो देखिए हमारा कितना ओपी तरह से हमारा बैठ चुका है, कोई भी टाइम नहीं लगा। आप देखिए आपके सामने ही मैंने किया था, तो आपको और आराम से इसको कर देना है जो भी बचा हुआ है फिंगर को। सो देखिए इतना काम करने के बाद हमको यह सही कर लेना है। देखिए बाद हमको माथे पे लगाना है महादेव वाला PNG, उसके लिए देखिए हम जाएंगे कहाँ पे, जाना है स्टिकर पे, और हमको सर्च करना है महादेव। देखिए इस पर जाने के बाद सर्च करना है महादेव शिव, आप जो भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक PNG आएगा, कोई सा PNG आप लगा सकते हैं, बट मैं चलिए ये वाला PNG लगा देता हूँ। देखिए इस PNG को हमको लेना है, और लेने के बाद जस्ट हमको इस तरह इसको लगा देना अच्छी तरह से। आप बहुत सारे इसमें PNG मिल जाएगा, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, बट मैं ये लगाऊंगा, ये अच्छा लग रहा है इस फोटो पे। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपने फोटो के हिसाब से। देखिए हमको PNG को लगाने के बाद इसको सही कर लेना है, और सही करने के बाद हमको क्या करना है, फोटो को यहाँ सेव कर लेना है गाइज। अगर आप चाहते हैं तो इसको फोटो में रेमनी यूज कर सकते हैं, जिससे कि फोटो बहुत ज़्यादा क्वालिटी में हो जाएगा, बट मैं क्वालिटी नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मेरा फोटो पहले से सही है। फिर हम इसको ले जाएंगे कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। चलिए हम ले चलते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए हमको जाना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में, और हमको जाना है टूल्स पे गाइड, और यहाँ पे ऑप्शन है ट्यून इमेज का, हम इस पे जाएंगे, और हमको एम्बियंस को हाई कर देना है इतना, और शेडो को हमको हाई कर देना है। देखिए इसको, देखिए इतना काम करने के बाद फिर हम जाना है कहाँ पे, जाना है सिलेक्टिव पे, एंड गाइड जहाँ पे भी आपको अंधेरा दिखाई दे, यानी कि यहाँ पे अंधेरा है, इस तरह मार्क लगा कर लाइट ज़्यादा कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर अंधेरा है इस तरह, यानी कि आप समझ सकते हैं जहाँ पे भी आपका अंधेरा दिखाई दे वहाँ पे हमको लाइटिंग दे देना है, यानी कि जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे दिया जला देना है। देखिए हमको कुछ इस तरह लाइटिंग दे देना है, एंड लाइटिंग देने के बाद फिर हमको आना है सिलेक्टिव पे, एंड हमको इस तरह मार्क लगाना है अपने नोज पे, और इस तरह पूरा नीचे वाले को लो कर देना है। देखिए नीचे वाले होगा, चार ऑप्शन है, तो सबसे नीचे वाले को -43 रख देना है। सो गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना ओपी तरह से हो चुका है।
फिर इतना काम होने के बाद जाना है टूल्स पर, सिलेक्टिव पे जाना है। आप देख सकते हैं गाइज हेयर पे कुछ इफेक्ट आया हुआ है, तो हम इसको हटाने के लिए जाएंगे और इफेक्ट पे इस तरह मार्क लगाएंगे, इसको छोटा करेंगे और हमको सिलेक्टिव पे जाने के बाद इसको 3 नंबर पे कम कर लेंगे। फिर इस पे जाएंगे, सिचुएशन को कम कर लेना है गाइज। फिर हम यानी कि जहाँ जहाँ पे कोई भी इफेक्ट है तो वहाँ पे हमको जाएंगे, इस तरह छोटा करेंगे और सिचुएशन को लो कर देंगे। ये काम कर देना है। इतना काम करने के बाद हमको फोटो के लिए चलना है लाइट रूम के अंदर, एंड ये हमारा लास्ट स्टेप है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो कितना छोटा है बट आप लेके बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखिए हमको जाना है लाइट रूम में, एंड हम चलते हैं लाइट रूम में, और ये हमारा लास्ट स्टेप है जिसमें कि बहुत खतरनाक वाला हम करने वाले हैं। तो हम चलते हैं लाइट रूम में, एंड ये रहा लाइट रूम हमारा। सो गाइज आप इस ट्रिक को मिस मत कीजिएगा। देखिए हमको लाइट रूम में आना है, एंड हम अपने फोटो को ओपन कर लेते हैं, जो भी हमारा फोटो ये पहले वाला हो गया, ये अब वाला हो गया। सो इस पे आना है, और इस पे आने के बाद सबसे पहले हमको जाना है कहाँ पे, कलर पे, एंड हमको वाइट को कम करना है, शेडो को कम करना है और हाईलाइट को इतना कम करना है। देखिए इतना काम करने के बाद हमको लाइटिंग पे जाना है, और हमको ग्राइंडिंग पे जाना है, लुमिनेंस को इतना लो, ब्लेंडिंग को इतना लो, फिर हमको डाउन करना है, फिर हम जाना है मिक्स पे गाइज, और जो ये 2 नंबर वाला होता है हमको इस पे जाना है, सिचुएशन को लो करेंगे, हुई को इतना लो, फिर हमको लुमिनेंस को इतना हाई कर देंगे जिससे फेस पे लाइट आ जाएगा। फिर गाइज हमको जाना है कहाँ पे, इस पे जाना है और इसको टिंट को हाई करेंगे, वाइब्रेंस को हाई करेंगे और सिचुएशन को लो करेंगे, एंड टेम्परेचर को भी हाई कर देंगे। सो उसके बाद हमको जाना है इफेक्ट पे, और हमको क्लैरिटी को हाई कर देना है, और नीचे विग्नेट को हमको लो कर देना है जिससे फोटो पे फोकस जाएगा हमारे फेस पे। फिर हम जाएंगे डिटेल पे, और बस कुछ नहीं करना है, शार्पनिंग को बस इतना हाई। उसके बाद देखिएगा नीचे वाले ऑप्शन को कुछ नहीं करना है हमको आगे पीछे। उसे देखिए फोटो हमारा कितना ओपी प्रोफेशनल बन चुका था। आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मस्त लगा, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो तक, टाटा एंड बाय बाय एंड टेक।